कोरोना संकट काल के दौरान सकारात्मक विचारों के क्रम में 8 मिनट की जीत जाएंगे हम फिल्म का विमोचन करते हुए श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि इस तरह की फिल्मों से व्यक्ति को बिना किसी भय के जीवन को सुचारू बनाए रखने का संदेश मिलता है। जीत जाएंगे हम के शीर्षक से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसके अंदर आज कोरोना की जो महामारी चल रही है उसको कैसे हम हरा सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, इसको लेके वीडियो जारी किया गया। निश्चित तौर पर इसका फायदा लोगों को मिलेगा और वो अपने आप में एक आत्मविश्वास जगा पाएंगे। मेरा नाम फाल्गुन त्रिपाठी है और मैं फिल्म मेकर हूँ, राइटर हूँ और मुंबई से जुड़ा हुआ हूँ 15 साल से। इस कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं जिस तरह का वातावरण है, पूरी तरह एकदम बीमारी और नकारात्मक माहौल छाया हुआ है, तो इसमें हमने सोचा कि यार कुछ पॉजिटिव ऐसा किया जाए, क्योंकि मैं क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ क्रिएटिव ऐसा किया जाए कि लोगों में एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाए। तो हमने एक फिल्म बनाई है जीत जाएंगे हम, जो कि 8 मिनट की फिल्म है, और हम इसमें चाहते थे कि लोग जो अपने घरों में रहे, लॉकडाउन है लगभग पूरे देश में, उन्होंने कैसे इस टाइम का वैल्यूबल यूटिलाइज किया है, इस टाइम को अपनी एक्टिविटी और जो अपने रुचि के काम थे तो उनको कैसे किया है और कैसे इंटरेस्ट लेकर अपनी स्किल्स को डेवलप किया है, और समाज में भी ये संदेश दिया है कि देखिए इस माहौल से आप घबराएं नहीं, अपना जज्बा कायम रखें, और क्योंकि ये ठीक है माहौल ख़राब है, बीमारी आई है, लेकिन वो बीमारी हटेगी भी और आगे हम पॉजिटिवली इस बीमारी से जीत भी जाएंगे। तो उस संदेश को लेकर ये पूरी फिल्म है, 8 मिनट का इसका ड्यूरेशन है। और आज राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश राजस्थान पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहे हैं। किसी भी मामले के आरोपी को जेल भेजे जाने से पहले कोविड-19 का टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलवर पुलिस द्वारा एक निजी अस्पताल को कैदियों के लिए वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। हाईकोर्ट राजस्थान के द्वारा जो दिशा निर्देश के बाद राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इसमें विशेष परिपत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पहले उसकी जांच हेतु उसको कंपल्सरीली जीसी कराना है। इस प्रक्रिया के लिए उसे अलवर जिले में जो व्यवस्था की गई वो इस प्रकार से है कि उसको जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश करना होगा। न्यायालय से जैसी वारंट प्राप्त करके उसे या तो ब्लॉक लेवल CSC या अलवर जनरल हॉस्पिटल में उसकी सैम्पलिंग कराने के बाद सैम्पलिंग के रिजल्ट आते तक उसे चिकानी में जो लॉर्ड्स हॉस्पिटल है उस जगह को जेल के रूप में चिन्हित किया गया है, वहां पे कुछ दिन जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। टेस्ट रिजल्ट निगेटिव आने के बाद अगर आयोग चाहता है कि उसका पुलिस कस्टडी लेना है तो न्यायालय में आवेदन करके उसकी पुलिस कस्टडी प्राप्त कर सकता है, और यदि उसको पुलिस कस्टडी प्राप्त नहीं करनी है तो वो उसे अधिकृत रूप से जेल में जमा कर सकता है। प्रागपुरा थाने में तैनात लड़ाकाबाज बीट प्रभारी कांस्टेबल मान सिंह किसी तफ्तीश के लिए प्रागपुरा थाने से बाइक पर बैरोड की तरफ जा रहे थे, वहीं सोडास के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति उन्हें अपनी गाड़ी से कैलाश हॉस्पिटल बहरोड ले गया, जहां उनकी हालत देखते हुए उन्हें चंदवाजी नीम्स हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां भी उनकी हालात को देखते हुए उन्हें जयपुर SMS के लिए रेफर कर दिया गया, जहां सोमवार की सुबह उनकी मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव की जांच में देरी की वजह से उनके शव को रात को प्रागपुरा थाना लाया गया, जहां मंगलवार आज सुबह गांव छपलगढ़ बनेठी थाना मुंडावर ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार से पहले पुलिस लाइन RI रामोतार मीना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन RI रामोतार मीना, मुंडावर थाना प्रभारी नरपत सिंह, प्रागपुर थाना इंचार्ज राजेंद्र सिंह, प्रागपुर थाना ASI दिलीप कुमार, सतीश समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education come extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners.
कस्बे के वार्ड नंबर 3 में 2 दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित 11 लोगों के मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। गांव में बैरिकेडिंग कर उस वार्ड में जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया है। एसडीएम नानूराम सैनी, कोटपुतली पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव, तहसीलदार अभिषेक सिंह, पटवारी शशिधर यादव ने सोमवार को निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता मुकेश गोयल द्वारा संचालित रक्तमणि अभियान के अंतर्गत मंगलवार को राजकीय बीडीएम अस्पताल में संजय यादव पुत्र पूरनमल यादव ने अपने जन्मदिन पर अजय यादव पुत्र पूरनमल यादव, पूरन यादव पुत्र सूरजबान यादव निवासी चल्लई कोटपुतली ने स्वैच्छिक रक्तदान किया और गौरवशाली रक्तमणि बने। इस दौरान रक्तदाता संजय यादव की माताजी ने भी स्वैच्छिक रक्तदान करने की इच्छा जताई, लेकिन चिकित्सक द्वारा अनफिट घोषित किए जाने के कारण वह रक्तदान नहीं कर सकी, लेकिन मातृशक्ति का ऐसा जज्बा देखते ही बन रहा था।